तो भाई ऋतिक रोशन ने आईफा 2023 का मेल बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और उसी में आईफा में ही ऋतिक रोशन ने फाइटर फिल्म और वॉर 2 को लेकर बहुत कुछ बोला है। तो क्या बोला ऋतिक रोशन ने बताएंगे आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही ऋतिक रोशन के फिल्म के बारे में जानने के लिए। तो भाई आज है ऋतिक रोशन का दिन, क्योंकि कल रात से जब से न्यूज़ आया है कि आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को, तब से ऋतिक रोशन ट्रेंडिंग पे है और हर तरफ ऋतिक रोशन का बात हो रहा है। आपको बता दूं, विक्रम वेदा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को आईफा 2023 में। तो ऐसे में आईफा 2023 में रिपोर्टर ने ऋतिक रोशन से फाइटर फिल्म और वॉर 2 के बारे में पूछा, तो ऋतिक रोशन ने बहुत कुछ बताया। ऋतिक रोशन ने फाइटर फिल्म के बारे में बताया और ऋतिक रोशन ने कहा, फाइटर फिल्म का काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, कुछ ही महीना में फिल्म का शूटिंग कम्प्लीट हो जाएगा, आप सब वीडियो देख सकते हो। फाइटर इज नियरिंग कंप्लीशन, वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। अब बात करें वॉर 2 के बारे में, तो आप सबको मैंने बताया है कि वॉर 2 का शूटिंग नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगा और अभी वॉर 2 का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR होंगे और जूनियर NTR नेगेटिव रोल करेंगे। तो ऐसे में आईफा 2023 में ऋतिक रोशन से पूछा गया वॉर 2 के बारे में, तो ऋतिक रोशन ने कहा, वॉर 2 के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, आप सब ये वीडियो भी देख लो। तो देखा दोस्तों, वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR होंगे, ये अब कंफर्म हो चुका है और ऋतिक रोशन भी काफी एक्साइटेड है वॉर 2 के लिए। वीडियो आपको मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हो वॉर 2 के लिए, लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।